बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है। करण हसदान वही बिल्कुल आप लोग बैठ जाइएगा, किसी को दिक्कत ना हो। तार से आगे आप लोग अगर आए हैं तो आप लोग बैठ जाइएगा। बिल्कुल कमेटी के वॉलंटियर से आप लोग एक बार राउंड पर निकलिए, मैदान के चारों ओर राउंडिंग कीजिए। बिल्कुल बहुत सारे दर्शकों का मांग है कि हमें देखने नहीं मिल रहा है, जगह बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल आप लोग आगे आ गए हैं, आप लोग बैठ जाइए उस तार के आगे। अगर आप लोग भूल से आ गए हैं तो आप लोग बैठ जाइएगा। बिल्कुल फर्स्ट राउंड का अंतिम मैच एसी ब्लैक टेल्को जमशेदपुर बनाम आर्मी 11 के बीच, वही हम लोग सेकेंड राउंड का फर्स्ट मैच देख सकेंगे।
रियल फाइटर बनाम वीर दिशम सांगे बोया के बीच। दोनों ही टीम आप लोग वार्म अप को शुरू कर दीजिएगा। रियल फाइटर बनाम वीर दिशम सांगे बोया, दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैनेज कीजिए आपस में। बिल्कुल राहुल मुखी, आप रेफरी के ऊपर दबाव नहीं बनाइएगा, अच्छे खिलाड़ी है आप। राहुल मुखी बिल्कुल उड़ीसा के खिलाड़ी है, बहुत ही बेहतरीन खेल खेलने के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल बेहतरीन खेल को खेले आप लोग, संयम बनाए रखिएगा, दबाव में खेल को ना खेले, दबाव में आपका खेल बिखर सकता है। बिल्कुल रणनीति जो आपने बनाया है वो पूरी तरह से भंग हो सकता है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग आराम से खेल को खेलें। बिल्कुल कमेटी के वॉलंटियर्स ग्राउंड के चारों ओर दौरा करते हुए हम निवेदन करते हैं प्यारे दर्शक साथी, आप लोग भूल से उस तार के आगे आ गए हैं तो आप लोग बैठ जाइएगा। हमें सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि आज पुखुरिया में भी फुटबॉल प्रतियोगिता है और इस फुटबॉल प्रतियोगिता से भी ज़्यादा अमाउंट वहाँ पर रखा गया है, परंतु जो भीड़ दर्शकों का है वो मारांगुरु मरसलघाटा सलगाडी में ही है। बिल्कुल कल भी बहुत सारे दर्शक आए थे, कल से ज़्यादा आज ग्रैंड फिनाले का दिन है, आज बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है, हजारों की तादाद में आज दर्शक पहुँचे हैं। बिल्कुल पुखुरिया के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, भीम ने बताया है। बिल्कुल भीम वहाँ पर खेलने गए हैं, यही तो खासियत है मरंगबुरु मार्शल गाता सलगाडी का, पूरी तरह से लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं, एक से बढ़कर एक मैच यहाँ पर देखने को मिलता है। और आप जो हमें सहयोग कर रहे हैं, ये कमेटी आपके प्रति आभार व्यक्त करता है। बिल्कुल आप लोगों की सहयोग ही तो है कि हम इस तरह का टूर्नामेंट आयोजन करते आ रहे हैं। 2014 से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था, आज 2024 तक का फासला हम लोगों ने तय किया है। बिल्कुल आप लोग हमेशा हमें सहयोग करते रहते हैं, इस साल भी आप लोग सहयोग कर रहे हैं, ये कमेटी आपके प्रति आभार व्यक्त करता है। बिल्कुल बुकिंग होगी, फ्री किक मिलता हुआ यहाँ पर एसी ब्लैक टेलको की टीम को, जो गेंद बाहर चली गई है उस पर कमेटी के वॉलंटियर्स आप लोग नजर रखिएगा। मैदान के ऊपरी छोर पर जो गेंद चली गई थी बाहर, इस बार बेहतरीन किक आया था टेलको की ओर से, परंतु अच्छी क्लियरेंस यहाँ पर आर्मी 11 के डिफेंडर द्वारा। इस तरह से काउंटर अटैक पर क्या मौका बना पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पर मौका बन सकता है, बहुत ही बेहतरीन पास यहाँ पर दिया गया था, परंतु उस गेंद को रोकने में असफल। इस तरह से गोल किक होगी टेलको के लिए।
बिल्कुल बिल्कुल आप लोग संयम रखिएगा, बिल्कुल आप लोग संयम रखिएगा, बिल्कुल आप लोग अच्छे खिलाड़ी हैं, पूरी तरह से खेल के नियम को जानते हैं। हमें उम्मीद है आप लोग पूरी तरह से संयम बनाकर खेलिएगा। सोहनलाल उर्फ करण बहुत ही बेहतरीन रेफरियों में माने जाते हैं, जैसे एक के बहुत ही बड़ा नाम रखता है फुटबॉल में। उस उसके एक बेहतरीन रेफरी है सोहनलाल। बिल्कुल राहुल मुखी भी उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बिल्कुल यहाँ पर मौका बन सकता है आर्मी 11 के लिए। अच्छी पास, समानांतर पास, अच्छी पास, अच्छी बटवारा। एक खिलाड़ी को कटिंग करने के बाद आगे ले जाना चाहते थे, परंतु ब्लॉक एसी ब्लैक टेलको की ओर से। इस तरह से टेलको की टीम में आगे की ओर बढ़ते हुए रेंचो गेंद के इर्द गिर्द आगे बढ़ते हुए। अच्छा ब्लॉक आर्मी 11 के खिलाड़ी, परंतु गलत पास। आगे की ओर बढ़ते हुए रेंचो होंगे गेंद के इर्द गिर्द, परंतु अच्छी ब्लॉक, अच्छी रीडिंग की ही जाएगी आर्मी 11 के खिलाड़ी। बिल्कुल आनंद उर्फ रेंचो गेंद के इर्द गिर्द पूरी तरह से छिना गए हैं। इस तरह से आर्मी 11 हाई वोल्टेज मैच चलता हुआ। बिल्कुल दर्शक पूरी तरह से नजर रखे हैं इस मैच पर। कमाल का खेल खेल रही है दोनों ही टीम में, किसी भी टीम में कम नहीं दिख रही है यहाँ पर। चाहे हम टेलको की बात करें, चाहे आर्मी 11 की संतोष दा। लंच ब्रेक के बाद संतोष दा आपकी ओर धीरे धीरे आएंगे अगला मैच के लिए। रियल फाइटर बनाम बिल दिसम सांगे बोहा। इस बार फिर से गेंद को लेकर आगे की ओर जाते हुए रेंचो एसी ब्लैक टेलको की ओर से, लेकिन नाकाम और टीम आर्मी 11 के लिए। मुर्गा पड़ा के वहां पर चले जाइएगा। मैदान के बीचों बीच ये सेकंड हाफ का मुकाबला आर्मी 11 बनाम एसी ब्लैक टेलको के बीच में। व्हाइट और ब्लैक कलर की पोशाक पर आर्मी 11, रेड और ब्लैक पर एसी ब्लैक टेलको। दोनों टीम की स्थिति अभी तक 0-0 की स्थिति पर है। ये मुकाबला लेवल कंडीशन पर चलता हुआ। जैसे ये मैच समाप्त होगी उसके तुरंत बाद रियल फाइटर बनाम बीर दिसम सांगे बोहा के बीच मैच होगी। दोनों टीम आप लोग पूरी तरह रेडी में रहेंगे। Yeah.
सालगाड़ी फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह इस बार भी एक भव्य आयोजन मरंगपुर मार्शल गावता सालगाड़ी के द्वारा। प्रथम चक्र का ये अंतिम मुकाबला हम लोग देख रहे हैं मैदान के बीचों बीच एसी ब्लैक टेल्को बनाम आर्मी 11 के बीच में। कमाल का प्रदर्शन इन्होंने भी दिखाया है। लक्ष्मण महाडी द्वारा बेहतरीन बचाव देखने को मिला। बिल्कुल आर्मी 11 अच्छी बंटवारा, बेहतरीन पास, जमीनी रूट का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर रही है दोनों ही टीम। इस बीच बेहतरीन की कहा था, अच्छी क्लियरेंस राहुल मुखी, अच्छी पास, पुनः राहुल होंगे गेंद के लिए, परंतु गलत पास, पूरी तरह से क्लियर करते हुए आर्मी 11 के खिलाड़ी। इस तरह से आर्मी 11 बिल्कुल गेंद पर बने हुए हैं, अच्छी टर्न यहां पर दिखाते हुए आर्मी 11 के खिलाड़ी, अच्छी बंटवारा, छोर को बदलते हुए बिल्कुल अच्छी पास, पुनः छोटी छोटी बंटवारा करते हुए बिल्कुल जयंत की क्लियरेंस है, परंतु अभी भी गेंद पर बने हुए हैं, छिना गए। इस तरह से रेंज चौगेंद के इर्द-गिर्द गेंद को अपने पाले में करते हुए दिलीप किंडू होंगे गेंद के इर्द-गिर्द, अच्छी पास बिल्कुल दिलीप। इस तरह से अच्छी पटवारा करने का प्रयास, परंतु गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, थ्रोइंग हो चुकी है। दिलीप की क्रॉस, परंतु गोलकीपर को कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल अगला मैच के लिए दोनों ही दल आप लोग आ जाइएगा, नेक्स्ट मैच के लिए दोनों ही टीम आप लोग आ जाइएगा। रियल फाइटर बनाम वीर दिशम सांगे बोया, रियल फाइटर बनाम वीर दिशम सांगे बोया। दोनों ही टीम के खिलाड़ी, टीम मैनेजर, आपसे निवेदन है आप लोग आ जाइएगा। इस बार मौका बन सकता है, ठीक भी आया, परंतु पूरी तरह से बाहर करते हुए इसकी कि इस तरह से कोई फायदा नहीं आर्मी 11 के लिए। इस बार अच्छी बंटवारा एससी ब्लैक, दिलीप, अच्छी पास चंद्र के लिए, परंतु उनको ब्लॉक किया गया। इस बार आर्मी 11 के खिलाड़ी बिल्कुल अच्छी टर्न दिखाते हुए, अच्छी पटवारा, दिव्या दिव्या
बिल्कुल दबाव बनाने का प्रयास जरूर किया था यहाँ पर एसी ब्लैक ने, परंतु आर्मी 11 के खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन मैच को खेलते हुए बढ़िया मैच को खेलते हुए इस तरह से अभी तक दोनों ही टीम गोल रहित बराबरी पर। इस बार मौका बन सकता है, अच्छी पास आया था परंतु जिस तरह से यहाँ पर शील्ड किया गया दिलीप द्वारा ये काबिले तारीफ की बात है। बहुत ही बेहतरीन इंट टू इंट मौका बनाने का प्रयास कर रही है दोनों ही टीम। जब गेंद बाहर आती है तब आप लोग चेंजिंग कर सकते हैं। बिल्कुल खेल में गेंद रहती है तो आप लोग चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कॉर्नर पे वहां पर आप लोग जगह दे दीजिएगा, कॉर्नर किक करने के लिए आप लोग जगह दे दीजिएगा प्यारे दर्शक साथी। ये
बिल्कुल बहुत ही सटीक डिसीजन यहां पर करण हंसदा के द्वारा एक एडवांटेज यहां पर दिया गया और इस तरह से एक अच्छा मौका यह जरूर था आर्मी 11 के लिए। नतीजा अभी तक बराबरी की स्थिति पर दोनों ही टीम खेलते हुए। अगेन एक बड़ा मौका फिर से आर्मी 11 के लिए। इस बार लेफ्ट फ्लैंक से आगे बढ़ाने की कोशिश, खिलाड़ी को ब्लॉक किया गया। करंदा सब्स्टिट्यूट है। बिल्कुल सेकंड राउंड का पहला मुकाबला के लिए रियल फाइटर बनाम वीर दिसम सांगे बोहार। दोनों टीम बिल्कुल हमारे नजरों के सामने है, तकनीकी जोन पर है। काफी उतार चढ़ा भरा मुकाबला मैदान पर। प्रथम चक्र का यह अंतिम मैच आर्मी 11 बनाम एसी ब्लैक टेल्को के बीच में। गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में टीम रियल फाइटर को, जिन्हें ही यहां पर टीम आर्मी 11 को, आर्मी 11 जोरदार प्रहार लेकिन टिट फॉर टेट का जवाब देते हुए एसी ब्लैक टेल को। दोनों ही टीम की स्थिति अभी तक बराबरी की है। रेड और ब्लैक पर एसी ब्लैक टेल्को, ब्लैक और व्हाइट पर आर्मी 11। दोनों ही टीम ने बहुत ही बेहतरीन खेल को पेश किया है। इस बार गेंद सीधे